अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए क्या हमारी दरख्वास्त जमा हुई भी है या नहीं हुई, तो वो तरीका हम इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। और दोस्तों, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि जो लोग पहले से जमा करा चुके हैं दरख्वास्त और वो ये समझ रहे हैं कि फेज़ टू में शायद दोबारा जमा करवानी है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उनको दोबारा जमा नहीं करवानी पड़ेगी। और अगर वो टेंशन में है कि पता नहीं हमारी दरख्वास्त पहले वाली जमा हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो वो भी इस तरीके को अप्लाई करके अपनी दरख्वास्त का स्टेटस देख सकते हैं कि आया हमारी दरख्वास्त जो है वो जमा हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले नए यूजर्स को, नए व्यूवर्स को जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके फायदा ये होगा कि आने वाली हर नई वीडियो, इस तरह के जो मैं प्रोग्राम्स वगैरह से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, हर लेटेस्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले आपको मिलेगी। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि हम पूरा प्रोसेस समझ लें। और यार दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। सब मुझे कॉल करके कह रहे होते हैं कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है, आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है, तो ये बातें जरा कमेंट में भी लिख दिया करो यार और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं दोस्तों असल बात की तरफ कि हम कैसे अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करेंगे कि आया हमारी दरख्वास्त जमा हुई भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है NPHP नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम .nadra.gov.pk। तो इसका मैं लिंक भी है जो है वो दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन की मियाद में एक माह की तौसीह कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन अब 15 नवंबर को खत्म होगी, तो 15 नवंबर आखिरी डेट है, ये भी याद रखनी है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट का होम पेज है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, ट्रैक प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसीट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपसे सिटीजन नंबर मांगेगा। सिटीजन नंबर का मतलब आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिनका फॉर्म फिल किया है, मैं उनका नंबर एंटर करता हूँ, सॉरी, उनका मैं CNIC नंबर एंटर करता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि इनकी दरखास्त जमा हुई है या नहीं हुई। और उसके बाद आपने ये कैप्चा एंटर करना है, ये कोड एंटर करना है जो यहाँ पे दिया है, तो ये क्या है, TDR। प्रोसीड करते हैं हम प्रोसेस की तरफ। तो ये देखें दोस्तों, ये हमें डिटेल्स बता देगा, फॉर्म नंबर आपका ये है, सिटीजन नंबर आपका ये है, रजिस्ट्रेशन डेट कब आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, टाइम कौन सा था, पेमेंट अमाउंट आपने कितनी अमाउंट पे की है, 250 रुपये आपने पे किया है, पेमेंट का दिन, पेमेंट ID, पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, मैंने खुद यानी कि इनकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने इनकी पेमेंट की है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये प्रोसेस है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा सा करके, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, यू विल बी नोटिफाइड फर्दर बाय नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपकी दरख्वास्त आ गई है, अब आपको खुद कॉल किया जाएगा या बुलाया जाएगा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से, और जैसे ही आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी अनाउंसमेंट होगी तो आपको बैलोटिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज आ जाती है, तो दैट्स ग्रेट। तो होप सो दोस्तों, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपना स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा, और यहाँ से आप रिसीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड होगी, यहाँ से आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जरूर दोस्तों, इंशाल्लाह आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव थी, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।